हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक्नो भाईजान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने एक मैट्रेस का वीडियो बनाया था, उसका बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस मिला था और आज उसी से रिलेटेड हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। वो है वेकफिट कंपनी का मैट्रेस प्रोटेक्टर हमने मंगवाया है, तो इसको हम इस वीडियो के अंदर टेस्ट करेंगे। इसको जो है तो पहले हम अनपैकेजिंग करेंगे, फिर हम इसको टेस्ट भी करके बताएंगे और कैसा है ये, इसका क्वालिटी कैसा है, सब पे हम इस पर बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रेस के अंदर मैंने एक प्रॉब्लम का जिक्र किया था आपसे कि कंपनी जो है तो मैट्रेस चेंज करने के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है या प्रॉब्लम देती है, तो मुझे कंपनी का रिप्ले उसके ऊपर आया है कि वो उन्होंने उसको सफाई दी है कि कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी पहले कुछ कस्टमर्स को, लेकिन वो इसलिए थी ताकि लॉकडाउन वगैरह ये चल रहे थे और बहुत सारी प्रॉब्लम बीच में चल रही थी, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन कंपनी ने मुझे जवाब दिया है कि अब ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ये सब सॉल्व कर लिया गया है इसको, और रिफ़ंड वगैरह बहुत ही जल्दी कंपनी अब दे रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसका हमको जवाब दिया है। तो चलिए फिर हम आज इसके बारे में बात करते हैं, ये पैकेट के बारे में बात करते हैं। इसको हम पहले अनपैकेजिंग कर लेते हैं, फिर इसकी क्वालिटी वगैरह सब मैं आपको बताता हूँ, और लास्ट में हम इसके दो तरीके के टेस्ट देखेंगे जो पूरे वाटरप्रूफ ये है या नहीं, ये सब हम इसके ऊपर चेक करेंगे। तो अगर आप भी इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा इसको ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर हम करते हैं इसकी अनपैकेजिंग और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी अनपैकेजिंग कर लेते हैं। ये हमें जो है तो प्लास्टिक के कवर में पूरा पैकिंग मिला है और इसकी जो प्राइस हमको पड़ी है वो 877 यानी 877 रुपीज़ का ये हमको डायरेक्ट डोर स्टेप तक के इसकी डिलीवरी की गई है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, और जब ये ओपन हम करेंगे इसको तो बहुत ही केयरफुली हमको करना है क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक है, अगर आप इसको काटेंगे तो हो सकता है कि आपका मैट्रेस प्रोटेक्टर इसमें कट जाए, तो इसलिए बहुत ही केयरफुली, वक्त लगा आपको तो चलेगा लेकिन बहुत ही ध्यान से आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा कवर ओपन हो गया है ऊपर का, और ये हमारी मैट्रेस प्रोटेक्टर हमने ग्रे कलर में लिया है क्योंकि इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको डस्ट इस पर नज़र नहीं आएंगी और डाग वगैरह इस पर कम लगेंगे, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। आपको ये तीन कलर में अवेलेबल मिल जाएंगी, वाइट और मरून कलर है, ये इसी टाइप का जो हमारी ये बेडशीट है, एक मरून और ये ग्रे, तो मैंने ग्रे मंगवाया हूँ ताकि धूल वगैरह इस पर नज़र ना आए। तो चलिए इसको अब ओपन करके हम चेक कर लेते हैं। कॉटन जैसा है इसमें, ठीक है, ये ऊपर साइड में कॉटन है, हमको ये ऊपर रखना है, और उसके पीछे साइड में हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर ये प्लास्टिक जैसा है जिसके अंदर से पानी पास नहीं होगा और आपकी मैट्रेस जो है तो प्रोटेक्ट रहेंगी इससे, तो ये एक अच्छा तरीका है आपकी मैट्रेस को अच्छे रखने के लिए और धूल और पानी वगैरह से बचाने के लिए। या आपके घर में बेबी वगैरह है, बच्चे हैं, तो भी आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये गर्म नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोई जाड़ा नहीं है, बहुत ही थिन है ये, ठीक है। और पूरी इसमें यहाँ पर इलास्टिक दिया हुआ है जिससे आप इसको डायरेक्ट लगा देंगे तो ये निकलेंगी नहीं, ठीक है। सिर्फ चादर नहीं है बल्कि पूरा एक कवर, पूरा ये अपने मैट्रेस को पूरा जकड़ लेंगे अपने अंदर इस तरीके से। यहाँ पर उसका वेकफिट का लोगो दिया हुआ है और यहाँ पर साइज़ के ऊपर टिक किया हुआ है 78-72 के ऊपर, 2 के ऊपर, ठीक है। तो चलिए फिर अब ये मैट्रेस को हम, इसको मैं आपको वाटर टेस्ट इसका करके बताता हूँ। पहले हम वाटर टेस्ट करेंगे इसको टिश्यू पेपर के ऊपर, और फिर बाद में मैं इसके अंदर पूरा पानी डाल के आपको बताऊँगा, फिर सुखाने के बाद में मैं अपने मैट्रेस के ऊपर लगा कर भी आपको इसको बताऊँगा। तो चलिए फिर टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला टेस्ट है जो हम करने वाले हैं इस टेबल के ऊपर। समझ लीजिए कि ये हमारा मैट्रेस है और उसके ऊपर हमने यहाँ पर दो टिश्यू पेपर रख दिए। अब आप जानते हैं कि टिश्यू पेपर कितनी जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए टिश्यू पेपर हमने रखा है, और अब इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर चढ़ा देते हैं और फिर हम इस पर पानी का टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टर मैं इसके ऊपर अब लगा दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोटेक्टर को मैंने समझो इसके ऊपर लगा दिया हूँ, ये इसके नीचे हमारे टिश्यू पेपर है। अब हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक के हम इसको चेक करेंगे कि 2 मिनट के बाद भी इसके ऊपर क्या होता है, तो इसके लिए मैं टाइमर लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, टाइमर हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर पानी डालूँगा ताकि हम इसको चेक कर सकें। ये हमारा समझो आपका यहाँ पर ये पहला टेस्ट, नीचे इसके हमने टिश्यू पेपर लगा दिए है।
ये कॉटन का होने की वजह से देखिए पानी कितनी तेज़ी से यहाँ पर फैल रहा है। और पानी डाल देता हूँ मैं इसके ऊपर। ये बाहर नहीं जाना चाहिए था हमारा। ठीक है ठीक है। नीचे साइड में जो है तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आती है नीचे तो ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा पीछे का। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने ऊपर अब इसके लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर टाइम सेट कर देता हूँ और 2 मिनट के बाद हम टिश्यू पेपर को चेक करते हैं। स्टार्ट। तो फ्रेंड्स 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि हमारे जो टिश्यू पेपर थे वो गीले हुए हैं या नहीं है। ठीक है, इसको स्टॉप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये कवर हटाने से पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स बता देता हूँ जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो ये 3 कलर में अवेलेबल है, वाइट, मरून और ग्रे। तो ग्रे हमारे पास में है। ठीक है, और नीचे हम देखें तो यहाँ पर 30 वॉश साइकिल वारंटी आपको इस पर मिल जाती है। उसके बाद में डोर स्टेप डिलीवरी आपको इसको मिल जाती है। और ये इसका जो है तो सॉफ्ट एंड टेक्सचर है ये, यानी इसके ऊपर एक हल्का सा टेक्सचर आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, और सॉफ्ट है, नरम है। 30 वॉश साइकिल मैन्युफैक्चरिंग वारंटी इस पर मिल जा रही है। डायरेक्ट ये हमको फैक्ट्री से मिलती है। उसके बाद क्विक मशीन वॉशेबल मटेरियल, यानी आप इसको जो है तो अच्छे से वॉश कर सकते हैं। हाइजीन एंड क्लीननेस, यानी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम आपको इन्फेक्शन वगैरह इससे नहीं होने वाले। उसके बाद इसके फीचर देखें तो ये इलास्टिक फॉर टकिंग इन कॉर्नर, यानी इलास्टिक लगे हुए हैं जो कॉर्नर से हमारी मैट्रेस को पूरा जकड़ लेते हैं और उस पर फिट आ जाते हैं। उसके बाद में ये 200 GSM टेरी कॉटन सरफेस इसके ऊपर दिया गया है। ये 200 GSM का है, इस यानी इसकी थिकनेस विथ TPU फिल्म। ठीक है, और नो कॉस्ट EMI पर भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें और उसके और भी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाए तो। ठीक है, चलिए अब हम इसको हटा के चेक कर लेते हैं कि हमारे टिश्यू पेपर गीले हुए हैं या नहीं। ये वज़न है तकरीबन, ये भी 1 kg का है। तो ये भी इसके ऊपर रखा हुआ था, इससे भी देखते हैं कि अगर कोई वज़न रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम आती है क्या। ठीक है, ये मैं यहाँ पर से इसको ऐसे हटाऊंगा कि ये नीचे का टिश्यू पेपर को टच ना हो। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे जो टिश्यू पेपर है वो पूरे सूखे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये टिश्यू पेपर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो पीछे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हुआ है, यानी अगर तकरीबन मैंने 2 मिनट की तो इसमें वो टाइमर लगाया था और मैंने 5 मिनट छोड़ा था, यानी 7-8 मिनट तक के हमने पानी को इस पर टेस्ट किया है और बिल्कुल पानी इसको जो है तो क्रॉस नहीं किया है। यानी अगर छोटे बच्चे भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है मैट्रेस के ऊपर, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मैट्रेस बिल्कुल सूखी रहेंगी और डस्ट से भी बची हुई रहेगी, क्योंकि रूम के अंदर डस्ट वगैरह आती है तो उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है प्रोटेक्टर। दूसरा, हम अब इसके ऊपर टेस्ट करने वाले। तो फ्रेंड्स हमने दोनों टेस्ट कर लिए हैं, अब हम इसको सुखा रहे हैं। इसके बाद हम इसको मैट्रेस के ऊपर लगाएंगे। तो मैं आपको एक एक टिप्स दे दूं कि कभी भी मैट्रेस को जो है तो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आपको ड्राई नहीं करना है। आपको आपके रूम में या कहीं दूसरी जगह पर जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट इसको ना लगे। अगर डायरेक्ट इसको सूरज की रोशनी लगेगी तो आपको प्रॉब्लम ये होगा कि इसका कलर चला जाएगा। और कोई भी जो कपड़े हम सुखाते हैं तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगाना चाहिए ताकि उसके कलर अच्छे से बने रहे। तो चलिए अब इसके बाद हम इसको मैट्रेस के ऊपर चढ़ा देंगे और कैसे आपको चढ़ाना है मैं ये आपको लगाकर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सारे टेस्ट हमने इसके ऊपर करके देख लिए हैं और आखिर में मेरी यही ओपिनियन है कि ये अगर आपने मैट्रेस लिया है तो ये मैट्रेस प्रोटेक्टर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट आप फैक्ट्री से ख़रीद सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर, या फिर आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। अमेज़ॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से उसको जाकर ख़रीद सकते हैं।
तो अगर आपको कोई भी फिर भी इस पर कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट के अंदर सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर किसी नए प्रोडक्ट के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।